नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरी ज्ञान में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्योधन का छह मित्र कौन था? दुर्योधन लाभ के मित्र थे। रंगभूमि का पूरा नाटक जब गरीब कर्ण को अस्वीकार कर दिया गया था और फिर अचानक दुर्योधन उसे स्वीकार करने आता है, उसका समर्थन किया गया था। अगर आप शांति पर्व को पढ़ते हैं तो वे उस घटना से पहले के मित्र थे। घटना को ध्यान से पढ़े, किसी ने भी कर्ण को भाग लेने या अपने कौशल दिखाने से नहीं रोका क्योंकि सभी उसे जानते थे। परिचय का प्रश्न तभी आया जब अर्जुन और कर्ण द्वंद्व के लिए खड़े थे। यह किसी भी तरह से लड़ाई को रोकने के लिए एक चाल थी क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि वह कौन है। यहाँ तक कि अर्जुन भी उन्हें कर्ण कहकर संबोधित करते थे। यदि आप सभी मानते हैं कि यह अचानक प्रवेश था तो आप सभी को कम पता है, यह एक संयोगवश नहीं था। दुर्योधन जो अपने परिवार के संतों के अनुरोध पर भी अपने भाइयों को एक गांव नहीं दे सकता था, वो अचानक एक पूरा राज्य देने का फैसला किया। शांति पर्व में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों परस्पर द्वेष के कारण मित्र थे। जब कर्ण परशुराम के आश्रम से लौटता है तो वह अपने पराक्रम के बारे में सूचित करने के लिए दुर्योधन के पास जाता है, इसलिए उन्होंने भव्य प्रवेश की पूर्व योजना बनाई होगी। वे नफरत से एकजुट थे और एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। यहाँ कितने लोग जानते हैं कि कुछ पीढ़ियों पहले कर्ण के पूर्वजों ने अंग देश पर शासन किया था। हाँ, अधिरथ एक शाही परिवार से था, न कि एक गरीब सारथी जिसे राज्य से निकाल दिया गया था। कर्ण को दुर्योधन का कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वह तीन अलग अलग अवसरों पर उसे छोड़कर भाग गया था। पहले द्रुपद स्वयंवर में, फिर घोष यात्रा के दौरान गंधर्वों से पराजित होकर और फिर विराट पर। महाभारत के दौरान भी 14वें दिन धृतराष्ट्र ने अपने बेटों को कर्ण की रक्षा के लिए खो दिया। कर्ण ने अपने लाभ के लिए परिवार का इस्तेमाल किया जो अर्जुन को हराकर अपनी महानता साबित करने के लिए था। उन्होंने सभी शांति प्रस्तावों को नकार दिया। जब शकुनी शांति चाहता था तब भी उसने दुर्योधन को उकसाया। कोई भी अच्छा दोस्त ऐसा नहीं करता है। लेकिन सालों की दोस्ती के दौरान दुर्योधन ने एक रिश्ता विकसित किया। वह अपनी मृत्यु के बाद उसके लिए रोया जो उसने अपने भाइयों के लिए भी नहीं किया था। वह उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ था क्योंकि कर्ण उसकी ओर था, लेकिन दुर्योधन का असली मित्र था जिसने न केवल उसे शांति के लिए सलाह दी थी बल्कि उसे गिरते देखने पर पवित्रता की सभी सीमाओं को पार कर दिया था। दोस्तों, इसके साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ।